अगर आप मेरे लॉन्ग टाइम सब्सक्राइबर हो तो आपको तो ये शायद पता ही होगा कि मेरा स्किन टाइप है ऑयली, और मेरे जैसे ऑयली स्किन टाइप वालों को जो स्किन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है वो है एक्ने या फिर पिंपल। ये एक ऐसा एम्बैरेसिंग स्किन प्रॉब्लम है ना जो आपके गुड लुक्स और कॉन्फिडेंस दोनों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकता है। पिंपल्स को घटाने के लिए और उनके मार्क्स को रिड्यूस करने के लिए मैंने तो तरह तरह के प्रोडक्ट्स ट्राई किया। ज्यादातर प्रोडक्ट्स थे बिल्कुल यूजलेस और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिन्हें यूज करने के बाद ना मेरा स्किन बिल्कुल ड्राई आउट हो जाता था। फिर मुझे पता चला ज़ायन एंड माइज़ा टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड फोमिंग फेस वॉश एंड फेस सीरम के बारे में, और पिछले कुछ हफ्तों से मैं इन्हें यूज भी कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं इनके साथ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। बट उससे पहले अगर आप नए हो मेरे चैनल पे देन फील फ्री टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स हॉप इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये दोनों प्रोडक्ट्स पैराबेन, सल्फेट्स और मिनरल ऑयल से कम्प्लीटली फ्री है और कोई भी हार्मफुल केमिकल्स या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस इनके अंदर एडेड बिल्कुल भी नहीं है। फेस वॉश के बॉटल के हेड पर एक ब्रश एप्लीकेटर अटैच्ड है जिसकी मदद से आप फेस वॉश को अप्लाई और मसाज दोनों कर पाओगे, आपको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। और फेस सीरम के पैक के अंदर आपको एक ड्रॉपर हेड मिलेगा जिसका रीजन मैं आपको थोड़े ही देर में बताऊंगा। बाकी इन दोनों का पैकेजिंग बिल्कुल सिंपल है, नथिंग फैंसी, और इन दोनों के अंदर मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर एडेड है टी ट्री ऑयल, सैलिसिलिक एसिड, तुलसी, नीम एंड एलो लीफ एक्सट्रैक्ट और उसी के साथ पपाया एंड पोमोग्रेनेट फ्रूट जूस, जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्किन के एक्ने एंड रेडनेस को घटाने के लिए बिल्कुल क्लिनिकली प्रूवन है। और साथ ही साथ ये हमारे स्किन में एक्सेस ऑयल के प्रोडक्शन को प्रिवेंट करता है, हमारे स्किन में जो एक्ने स्कार्स है ना उन्हें लाइटन अप करता है एंड मोर ओवर हमारे स्किन को बिल्कुल हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज भी रखता है। मैं इन्हें दिन में दो बार यूज करता हूँ, एक बार सुबह नींद से उठने के बाद एंड सेकेंड टाइम रात को सोने से पहले। सबसे पहले तो मैं इस फेस वॉश के 2 से 3 पंप्स को अपने फेस पर ले लेता हूँ और इस ब्रश एप्लीकेटर की मदद से अप्रॉक्सिमेटली 30 सेकंड्स तक अच्छे से मसाज करता हूँ और उसके बाद अपने फेस को धो डालता हूँ। फिर मेरे फेस को टॉवल से अच्छे से पोंछ लेने के बाद मैं अप्लाई करता हूँ सीरम को। ड्रॉपर की मदद से इसका 2 से 3 ड्रॉप मैं अपने फेस पर ले लेता हूँ और धीरे धीरे अपने फिंगर टिप्स की मदद से होल फेस पर डैब करता हूँ जब तक ना ये कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए। इन प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे जो सबसे अच्छा लगता है ना वो ये है कि इन्हें सुबह यूज करने के बाद ना पूरे दिन तक मेरा स्किन बिल्कुल मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेटेड रहता है और स्किन का ऑयल बैलेंस भी बिल्कुल मेंटेन रहता है। मेरे स्किन में अभी पिंपल्स बिल्कुल ना के बराबर है और डार्क स्पॉट्स भी पहले से बहुत हल्के हो गए गाइस, दैट्स क्लियरली विजिबल। सो अगर आप भी एक्ने और उनके मार्क्स को घटाकर एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हो ना, देन जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिंक्स मिल जाएंगे। परचेज कीजिए, यूज कीजिए और जब आपको इनका रिजल्ट मिलने लगे ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर थैंक यू जरूर बोलकर जाना। बट अभी के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे जल्दी से प्रेस कर दीजिए और मेरे YouTube फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी। टिल देन टेक केयर ऑल, पीस।